The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. So let's understand how can we prevent cancer? कैसे हम अपने शरीर में होने वाले जेनेटिक म्यूटेशन को प्रिवेंट कर सकते हैं या बचा सकते हैं. पहले समझते हैं थोड़ी सी चीज़ें कि यस देर इज़ जो डीएनए है आपके सबके शरीर के अंदर डीएनए, हर एक इंसान के अंदर, हर एक बॉडी पार्ट, हर एक ऑर्गन, हर एक सिस्टम, हर एक चीज़ को एनकोड करने वाला जो चीज़ है दैट इज़ कॉल्ड डीएनए. और ये डीएनए आपके शरीर के हर हिस्से को बनाता है और एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है. अगर कभी और ये डीएनए के अंदर बहुत सारी छोटी छोटी जीन्स है जिसे बना है. अब इसमें से किसी भी एक जीन्स के सीक्वेंस में गड़बड़ी हो जाए तो आपके शरीर में चेंजेस आने लग जाते हैं रेस. और ऐसा नहीं है कि बचपन से पहले ही डीएनए होता है, म्यूटेशंस बाद में भी होते रहते हैं. हर एक सेल जो आपके शरीर का बनता है, हर एक बाल जो आपका बनता है, हर एक चमड़ी का सेल जो आपका बनता है, उसके अंदर डीएनए होता है. और वो हर एक चीज़ में कभी भी म्यूटेशन यानी चेंज हो सकता है. तो ये जीन लेवल पे जो म्यूटेशन होता है उसको म्यूटेशन बोलते हैं. ये पूरी ज़िंदगी होता रहता है. एक ग्रोइंग बच्चे में तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, हर एक ऑर्गन में, हर एक सेल में, हर एक सिस्टम में. हम जैसे ग्रो हो चुके हैं उनके बाद कुछ सेल्स हैं जिनमें म्यूटेशन अभी भी हो रहा है, स्किन में, चमड़ी में. आगे कुछ रीजनरेटिव सेल्स हैं, कुछ सेल्स बिल्कुल रीजनरेट नहीं करते तो उनके अंदर नहीं हो रहा कुछ इस प्रकार के. तो पहली बात क्लियर होगी कि म्यूटेशन सब जगह हो रहा है. म्यूटेशन कुछ नॉर्मल होते हैं जो हमारी बॉडी में नॉर्मली होते हैं, उसको पता नहीं चलता, कुछ बॉडी रोक देती है डिटेक्ट करके. कुछ म्यूटेशन सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम कर सकते हैं. और समझने वाली बात यह है कि हमारे अंदर ये डीएनए और जीन्स के चेंजेस जो हैं आगे हमारे जनरेशंस को भी ट्रांसमिट हो सकते हैं. Right? So we understand what is DNA, what is genes, and we know what is a mutation. Mutation मतलब sequence में problem हो गया, DNA sequence alter हो गया है ना. इसके details में नहीं जाऊँगा, details आप biochemistry में देख सकते हो, इधर उधर देख सकते हो. Genetic mutation is a thing. अब आपके ज़िंदगी में, मेरी ज़िंदगी में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो जीवन में आपके, याद रखिए जेनेटिक म्यूटेशन जैसे हमने कहा एक इन्वायरमेंटल फैक्टर है उसका. एक फैक्टर है आपका जेनेटिक फैक्टर, मतलब आपके पैदा होने से पहले आपके शरीर में क्या म्यूटेशन हो के आ गया उसको नहीं कोई बदल सकता, वो हो गया, वो पत्थर पे लिखी लकीर है. किसी के शरीर में आँखें नीली हैं तो आँखें नीली हैं, किसी के बाल सफ़ेद है तो वो सफ़ेद है, किसी की चमड़ी काली है तो वो काली है. सो वो तो जेनेटिक आपका प्रीडिस्पोज्ड फैक्टर है, लेकिन आपके पैदा होने के बाद भी म्यूटेशन होते हैं. उनको तो आप प्रिवेंट कर सकते हो, उनको तो आप कंट्रोल कर सकते हो. उसमें आपको समझना पड़ेगा कि व्हाट आर द कॉज ऑफ दोज म्यूटेशंस, राइट. नंबर वन कारण उसका है सनलाइट, मतलब नंबर वन नहीं, लेट्स टॉक अबाउट इट, वन ऑफ द कारण्स. वन ऑफ द कारण का मतलब है सनलाइट जहां आपके लिए ज़रूरी भी है, कुछ हद तक विटामिन डी के लिए, आपकी इम्यून सिस्टम के लिए, आपके बॉडी के कई सारे फंक्शनिंग के लिए सनलाइट ज़रूरी है. इंक्रीज्ड एक्सपोजर अगर ज़्यादा आपका हो जाए, बहुत ज़्यादा सनलाइट से एक्सपोजर हो जाए बहुत ज़्यादा मात्रा में, तो आपके डीएनए के अंदर एक थायमिन डाइमर होता है, उसमें प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, उसमें आपके म्यूटेशन हो सकता है. सो सनलाइट का म्यूटेशन प्रॉब्लम कर सकता है थायमिन पे, जिसमें के आपके थायमिन लेवल पे म्यूटेशन होके देर कैन कॉज अ लॉट ऑफ जो डेवलपिंग सेल्स हैं, जो आपके स्किन के सेल्स हैं, वहाँ पर आपके मेलानोमा जैसे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं. सो इसीलिए क्या बोला जाता है कि आप क्या करेंगे, आप प्रोटेक्शन यूज़ करेंगे. आप कैसे प्रोटेक्शन यूज़ करेंगे, आपको सनस्क्रीन यूज़ करना है जब भी आप सन में जाएंगे, और एक्सेस सन एक्सपोजर हो रहा है तो हर दो दो चार चार घंटे में सनस्क्रीन यूज़ करना है, और आपको दो दो घंटे में रीअप्लाई करना है, धुल गई तो रीअप्लाई करना है, और हैट पहननी है और कपड़े ऐसे पहनने. उसके अलावा आप 15 मिनट्स के लिए अपने बैक पे ऐसे प्योर बैक, सबसे ज़रूरी है अगर आपको सनलाइट चाहिए आपके बेनिफिट के लिए, विटामिन डी के लिए, तो बैक
आपकी पीठ पे आपने धूप लेनी है बढ़िया 15 मिनट के लिए, उतनी बहुत है, राइट? दैट इज देयर. द सेकेंड बिग रीजन इज एक्सरे. जी हाँ, जो आप एक्सरे करवाते हो, अगर आप बार 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 एक्सरे करवा रहे हो, मल्टीपल एक्सरे या बार बार एक्सरे के पास रहने से आपको म्यूटेशंस हो सकते हैं आपके जीन्स में, एंड दोज आर सीरियस म्यूटेशंस. सो एक्सरे आर वेरी हाई एनर्जी रेडिएशंस जो आपके शरीर के अंदर फ्री रेडिकल नामक मॉलिक्यूल बनाते हैं जो कि बहुत अनस्टेबल होते हैं, और ये आपके शरीर में म्यूटेशंस कर सकते हैं. इसीलिए हम मेडिकल फील्ड में भी बोलते हैं एक्सरे ज़रूरी नहीं है, तो नहीं करना चाहिए. एक प्रेग्नेंट लेडी का एक्सरे नहीं होता. क्यों नहीं होता? क्योंकि वहाँ बच्चा पैदा होने वाला है और वहाँ पे इस तरह के म्यूटेशन नहीं होने चाहिए. सो बच्चे के साथ में, प्रेगनेंसी के साथ में कभी एक्सरे नहीं किया जाता. ये एक बड़ा कारण है. आप समझ सकते हैं कि एक्सरे क्यों डेंजरस है. ऐसे में आपको ये नहीं समझना कि एक्सरे कराना ही नहीं है. जब ज़रूरत हो तो एक्सरे कराना है, मगर मिनिमम एक्सरे कराना है. ये नहीं कल भी एक्सरे, आज भी एक्सरे, परसों भी एक्सरे, जय माता दी एक्सरे, वैसा नहीं करना आपने. सो एक्सरेज आर देयर जिसको आपने मिनिमम लेवल पे कराना है. लिमिट द एक नंबर ऑफ एक्सरे, ओनली डू इट व्हेन नेसेसरी. और उसके अलावा अगर आप एक्सरे में काम करते हैं तो अपने प्रोटेक्टिव लेड इक्विपमेंट ज़रूर पहनिए. और अगर आपका किसी एक पार्ट का एक्सरे होना है, मान लीजिए आपके सिर्फ पेट का एक्सरे है, ये तो आप अपने दूसरे पार्ट्स में लेड कवर वेस्ट पहन सकते हैं ताकि दूसरे पार्ट्स को एक्सरे एक्सपोज ना हो. दैट इज़ ऑल्सो एन ऑप्शन. ओके और एक्सरे छोड़ के दूसरे इमेजिंग भी है. अगर मान लो कोई एक चीज़ है जिसमें एक्सरे की जगह एमआरआई में दिख सकता हो तो एमआरआई सेफर है, और जे एक्सरे की जगह अल्ट्रासाउंड में दिख सकता हो तो अल्ट्रासाउंड तो सबसे सेफ है, तो अल्ट्रासाउंड करा लो. लाइक फॉर एग्जांपल मेमोग्राफी जो है एक्सरे वाली भी होती है, अल्ट्रासाउंड वाली भी आती है, तो अल्ट्रासाउंड वाली ज़्यादा सेफ है. गॉट इट? सो दैट इज देयर एक्सरे. थर्ड कारण है आपका टोबैको, तंबाकू, स्मोकिंग, तंबाकू च्यू करना, खाना, और सेकेंड हैंड स्मोक. बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, बताने की ज़रूरत नहीं है उसमें कितने सारे केमिकल्स हैं, कार्सिनोजन्स हैं, म्यूटेंट्स, म्यूटेशन कर सकते हैं. मैंने इस पे डिटेल में कई वीडियोस बनाए हैं. अगर आप जानना चाहते हैं तो आप टोबैको वाले वीडियो देखिए. ये आपके डीएनए लेवल पे जाके म्यूटेशन कर सकते हैं. प्रोटीन्स, जो डीएनए से जो प्रोटीन बनती है उसमें प्रॉब्लम्स कर सकते हैं. स्टमक की लाइनिंग में प्रॉब्लम कर सकते हैं, जहाँ जहाँ धुआं जाता है. लंग के अंदर एपिथीलियल में प्रॉब्लम कर, एपिथीलियम में प्रॉब्लम, कहाँ कहाँ नहीं प्रॉब्लम कर सकते. सो द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन पीपल हु आर डूइंग दिस इज कि उनको ये नहीं समझता कि ये हार्मफुल है. ये बहुत हार्मफुल होता है. तो कैंसर्स अगर बन जाते हैं तो फास्ट ग्रो होते हैं और ज़्यादा खतरनाक मात्रा में हो जाते हैं. तो स्मोकिंग एंड सेकेंड हैंड स्मोकिंग बोथ आर बैड. और ये मत बोलना मेरे को कि सर वो बैन क्यों नहीं कर देते हैं, गवर्नमेंट के काम है, हमारे नहीं है वो. ठीक है. देन केमिकल्स, टोबैको के बाद आता है केमिकल्स. केमिकल्स में अगर किसी भी प्रकार का कार्सिनोजेनिक, म्यूटेजेनिक केमिकल है, यानी कि प्रोसेस्ड फूड है या बहुत हैवी इंसेक्टिसाइड है, गैसोलीन, बेंजीन, सबसे बड़ा तो बेंजीन है. जो बेंजीन आपका पेट्रोल से निकलता है, इससे निकलता है, जो सड़क पे जाओगे तो बेंजीन ही बेंजीन भरा पड़ा है वहाँ पे. तो सड़क पे आपको स्मेल, सांस लेना भी वहाँ पे कार्सिनोजेनिक है. तो सड़क पे तो मास्क पहन के ही चलना चाहिए, सड़क पे तो रहना ही नहीं चाहिए बिकॉज ऑफ ऑल दीज व्हीकल्स जो हो रहा है. सो उससे तो बहुत ज़्यादा कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. तो सड़क पे रहने वाले लोगों के लिए सबसे बड़ा रिस्क है. म्यूटेजेंस हैं, कार्सिनोजेनिक, बेंजीन इज़ अ बिग बिग प्रॉब्लम केमिकल्स में. और अगर आप कोई इंसेक्टिसाइड्स की बात करें, रैक पॉइजन की बात करें, विनाइल क्लोराइड जो पाइप्स में लगते हैं, गैसोलीन हो गया, आर्सेनिक हो गया, ऐसे कई मेजर केमिकल्स हैं जो कार्सिनोजेनिक होते हैं. सो हमें केमिकल्स से अपने आप को बचाना होगा, खासकर अगर आप केमिकल फैक्ट्री या ऐसे कोई केमिकल पेंट इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं. तो आपको अपने आप को रेगुलर में सेव करना ज़रूरी है. जितने प्रोटेक्शन के इक्विपमेंट आपके पास है सारे यूज़ करें. एंड लास्ट जो होता है हमारा वो है नाइट्राइट्स. नाइट्राइट्स मतलब क्या है? नाइट्राइट्स मतलब प्रोसेस्ड फूड. जी हाँ, प्रोसेस्ड मीट, खासकर प्रोसेस्ड मीट. अगर हम प्रोसेस्ड मीट खाते हैं, जैसे कि हॉट डॉग, सॉसेज, बेकन, जो एक मीट को लेके प्रोसेस करने के बाद, जैसे सलामी, प्रस्तरामी, हॉट डॉग प्रोसेस, ये सारे, इसमें क्या होता है, जो प्रोटीन होता है वो दूसरे कंपाउंड्स के साथ मिलके एक नाइट्राइट नाम का बेसिक चीज़ बना लेता है. नाइट्राइट्स मतलब नाइट्राइट्स कंबाइंड विद द प्रोटीन्स इन दिस थिंग आर नोन टू बी कार्सिनोजेनिक.
सो कार्सिनोजेनिक प्रोसेस्ड फूड इज कार्सिनोजेनिक, इतना समझ लो. प्रोसेस्ड मीट इज मोर बैड, तो इसलिए प्रोसेस्ड मीट ना के बराबर ना खाओ या बेटर रहेगा, उसको लिमिट करना ज़रूरी है. प्रोसेस्ड मीट को लिमिट कंजम्पशन, ग्रिल्ड मीट हो, प्रोसेस्ड मीट हो, चाहे सॉसेज हो, सलामी हो, आपके हॉट डॉग्स हो, पस्त्रामी हो, आपके कोई बेकन हो, इनको मिनिमाइज करो. अगर ये बेटर आप मिनिमाइज, इसके जगह आप फ्रूट्स, वेजिटेबल, होल ग्रेन्स ले सकते हो. इवन द होल ग्रेन्स के जो फूड है उसमें जो प्रोसेस्ड होते हैं उसको मिनिमाइज करोगे, पैकेज्ड फूड को मिनिमाइज करोगे, दैट इज़ द बेस्ट थिंग फॉर यू. इतने स्टेप्स अगर आप कर लोगे तो आपके म्यूटेशंस को, आपके जेनेटिक वेरिएशंस को, कैंसर के रिस्क को आप मिनिमाइज कर सकते हो. आई होप दिस यू गॉट द जिस्ट ऑफ इट. जेनेटिक फैक्टर, पैदा होने वाले फैक्टर को तो आप कुछ नहीं कर सकते, बट इन फैक्टर्स को आप ज़रूर कुछ कर सकते हो. तो मेक श्योर कि इस फैक्ट, इन पॉइंट्स को आप याद रखें. ना सिर्फ याद रखें, आपने इन लोगों को ज़रूर बताना है. तो इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें, और कोई सवाल है तो हमें लिख के भेजें. थैंक यू सो मच. स्टे